आईपीएल खत्म होने के बाद अब क्रिकेट फैंस बेसब्री से विश्व कप का इंतजार कर रहे हैं। 30 मई से इंग्लैंड में शुरू होने वाले विश्व कप को लेकर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान वीरेंद्र सहवाग को यकीन है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेगी। वहीं उन्होंने सेमीफाइनल मैचों के लिए अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस दौरान भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीमों से ना हो। कोहली की टीम में पांड्या जैसा ऑलराउंडर, विश्व कप 2011 की विजेता टीम का हिस्सा रह चुके सहवाग ने एक मशहूर क्रिकेट न्यूज वेबसाइट को इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमारी उस टीम में हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं था जो आज पांड्या के रूप में विराट कोहली की टीम में है। उन्होंने कहा, हमारे पास 6 बेहतरीन बल्लेबाज और 4 बेहतरीन गेंदबाज हैं और हार्दिक जैसा ऑलराउंडर है। पहले 3-4 मैच महत्वपूर्ण। सहवाग ने आगे कहा कि इंग्लैंड की पिचों पर नई गेंद मुश्किल पैदा कर सकती है और ऐसे में संभल कर खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी नई गेंद निकाल सकते हैं। हमारे लिए पहले 3-4 मैच महत्वपूर्ण हैं और अगर इनमें टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो वे भारतीय टीम सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, ये मेरा विश्वास है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल जरूर खेलेगी। सेमीफाइनल मैचों को लेकर चिंता में सहवाग। जहां एक तरफ सहवाग को भारत के सेमीफाइनल में जाने की पूरी उम्मीद है, वहीं उनको इस बात को लेकर चिंता भी है कि भारत फाइनल में जाने से चूक सकता है। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर सेमीफाइनल में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम रहती है तो फिर मुकाबला कठिन होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो भारतीय टीम फाइनल में पहुँचने के साथ ही विश्व कप भी जीत सकती है। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।